गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज एक आपकी जीरो लेवल की क्लास और आपके सामने। अभी तक आप लोग देखते आए हैं, हमने काफ़ी टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट आपने समझ भी लिया, देख भी लिया। आज जो हम टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं वो है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। आम दैनिक जीवन में प्रॉफिट और लॉस का सिलसिला चलता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। लाभ हानि होता रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। सिंपल में जीवन को चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए लोग कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लाभ या हानि अक्सर होता रहता है। आपने देखा होगा, कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है, तो सभी लोग परिचित होंगे, लगभग सभी लोग संबंधित हैं इंडिया से ही। तो देखिए, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, सभी जानते हैं अच्छे से, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम जीरो लेवल से कैसे चलें, इसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ पढ़ने का ढंग। देखिए, एक बात याद रखना है कि दिल में मेरे कुछ सपने बस वही है अपने, अब मैं करूंगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, मैथ आसान है, आसान है, आसान है। तो बिल्कुल मैथ आसान है, आप जान लें। अगर आपने जीरो लेवल की पिछली क्लासें नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। कुछ क्लासें जो पेड क्लासेज में हैं उनके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लासें आपको फ्री में दिख रही हैं उनको आप देखें और समझें, मैथ आसान है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको गणित अर्थात मैथ सिखाने की 100% गारंटी लेते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक। देखिए, लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, तो या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। अभी आप सब्जी मंडी में चले जाएं तो जो सब्जी की दुकान लगा के बैठे होते हैं उनमें से सब लोग अपने घर से और खेत से नहीं लेके आते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई खेत नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, मंडी से जा करके सब्जी खरीदते हैं और फिर ले जा करके वो गांव में, मोहल्ले में या फिर किसी बाजार में जहां कहीं उनका होता है स्थान, अपना बेचते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यापारी है जो कि आलू, इस समय आप जान रहे हैं नई आलू आ रहा है भाई, तो मान लेते हैं कि वो 20 रुपये किलो खरीदता है मंडी से इकट्ठा, 20 रुपये किलो यानी कि कुंटल में खरीदता है। तो भाई वो 20 रुपये किलो खरीदा, उसके बाद उसको ले जाके बाजार में अपने यहाँ 25 रुपये किलो बेचा। अब सभी लोग समझ के होंगे, अगर वो 20 में खरीद के, कितने में, 20 में खरीद रहा है और 25 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, 20 में उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक, उसे लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा, सभी जान रहे हैं। 1 किलो में उसे 5 रुपये ज्यादा मिला, लाभ हुआ ना, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। बस यही करना है इसमें भी, और कुछ नया नहीं करना है इसमें, कुछ समझना है थोड़ा सा। क्या समझना है, देखिए, कोई वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसे हम लोग पढ़ाई लिखाई की भाषा में क्या बोलते हैं, खरीदना को क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहुत कॉस्टली सामान है, कॉस्टली मतलब कीमती, ठीक। और जो बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेचना को उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो याद रखिएगा, इसे शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, ठीक है, सब क्लियर है ना। अगर इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, बिल्कुल निसंकोच बता दीजिएगा, सही है सब कुछ ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम देखेंगे लाभ और हानि, आप लोग क्रय और विक्रय समझ लिए होंगे। जो सवाल हमने दिया है उसका आंसर आप लोग बताइएगा और फिर हम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, पहले हम लाभ पे चलेंगे, पॉजिटिव पे। तो लाभ कब होता है, जब सीपी, अब आप कहेंगे सीपी क्या है, सीपी वही है भाई क्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य जितने में खरीदा गया है वो छोटा हो जाए यानी कम हो जाए और एसपी ज्यादा हो, एसपी मतलब वो एसपी साहब नहीं, एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, मतलब समझ में आया ना। जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है। मान लेते हैं कि एक व्यापारी है
जो 7,000 रुपया में क्या खरीद रहा है, एक गाय को खरीद रहा है, बेचता कितने में उसे, 7,200 में बेचता है, 7,200 में, तब उसे क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो सभी लोग जानते हैं सिंपल सा, अगर 7,200 में से हम 7,000 घटाएंगे तो सभी समझ गए होंगे 200 आएगा, यानी कि उसे 200 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और आपका ई वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ गए ना, ये होता है लाभ। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य क्या हो, सॉरी, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, यानी कि सीपी इज लेस देन एसपी। अंडरस्टैंड, आगे चले, देखिए हानि कब होती है, अगर व्यापार हो रहा है तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, तो हानि को हम लोग लॉस बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं कि बिजनेस सही नहीं हुआ तो लॉस हो गया 50,000 का, 1 लाख का, तो कैसे होता है, देखिए हानि क्या होता है, जब विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य, मतलब समझिएगा ये एसपी है और ये सीपी है, जब एसपी साहब सीपी से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई व्यापारी है जो एक मोटरसाइकिल को 20,000 में खरीदता है, 20,000 में क्या करता है, खरीदता है, और 20,000 में खरीदने के बाद उसको वो बेचता है कितने में, 15,000 में। अब आप बताइए 20,000 की मोटरसाइकिल खरीदा और 15,000 में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि, सिंपल सी बात है हानि होगी, सभी जानेंगे 5,000 रुपए का उसका क्या होगा, लॉस होगा, है ना, समझ गए सभी लोग। तो ये होता है लाभ और हानि। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे तो मैथ बहुत आसान है, और मैथ सिखाने की हम 100% गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो आप देख रहे हैं, ये पीबीआर स्टडी की फैमिली 35,000 लगभग हो चुकी है, ये सभी मैथ सीखने के लिए ही जुड़े हैं। अगर आप मैथ के दीवाने हैं ना तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको मैथ आने लगेगा पक्का, ये हम गारंटी लेते हैं। और हाँ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे साथ लग जाएंगे ना तो आपको लत भी लग जाएगी मैथ की, और फिर 12-1 बजे 2 बजे रात में लाइव क्लास होती है और आपको नींद नहीं आएगी, याद रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे गवाह हैं, 5 लाख लोगों ने देखा है 2 बजे की लाइव क्लास, आप देखिएगा सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है भिन्नों का जोड़ घटाना, 11 अगस्त की क्लास थी, रात्रि के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास चली थी, और उसमें कम से कम सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे, है ना। चले आगे, इतना क्लियर, तो आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल तो आपने देख लिया जो स्क्रीन पर है, ये आ भी चुका है, अब हम अगला सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब सभी लोग दे देंगे, ये पूरा का पूरा हमें उम्मीद है लगभग लोग जानते हैं। देखिए हमारी क्लास लगभग में उन लोगों के लिए होती है जिनको मैथ आता नहीं है और वो बहुत परेशान होते हैं। जिनको मैथ आता है वो तो बहुत जगह पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पर हजारों नहीं लाखों चैनल हैं, बहुत सी कोचिंगें हैं, वो वहां पढ़ लेते हैं, लेकिन पीवीआर स्टडी विशेषकर उन लोगों के लिए है जो मैथ सीखना चाहते हैं और उन्हें मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक को 25,000 में खरीद कर उसे 32,000 में बेचता है, तो उसे कितना रुपया का लाभ होगा। सभी लोग समझ रहे होंगे, 25,000 में खरीदा है और 32,000 में बेच रहा है, इसका मतलब 25 ज्यादा है कि 32, 32 ज्यादा है ना, तो भाई अगर वो 25,000 में खरीदा और 32 में बेचा, यानी कि कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, तो इसे हम अगर पढ़ाई के ढंग से चले तो क्या होगा, ये हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, सीपी है हमारा 25,000, क्योंकि 25,000 में खरीदा है, बेचा कितने में है, यहां पर लिखते हैं विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो है कितना, 32,000। अब देखिए 25,000 में खरीदा 32,000 में बेचा, यानी ये क्या है,
ग्रेटर देन 32,000, मतलब कि 25,000 से 32,000 कितना ज्यादा है, 7,000 ज्यादा है। इसको ऐसे घटा लीजिएगा कहीं बना के ऐसे, और फिर आप समझ जाएंगे। जीरो से जीरो गए, सब जीरो जीरो हो जाएगा, इसमें से उधार जाएगा 12 में से, ये हो जाएगा 7। इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 7,000 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अब हम आपको दिखाएंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ ध्यान दीजिएगा, ये तो आ गया कि मोटरसाइकिल को 25,000 में खरीदा और 32,000 में बेचा, तो उसे 7,000 का लाभ हुआ, सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, लाभ तो हुआ, उसे कितना रुपया का नहीं, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, अब आप कैसे बताएंगे? अब तो हुआ झमेला, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, तुरंत दिखा रहे हैं, बस रुकिएगा थोड़ा से सेकेंड। अब सवाल बदल गया आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, समझ जाएंगे। एक व्यापारी एक मोटरसाइकिल को 25,000 में खरीद कर उसे 32,000 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए लाभ तो आपने जान लिया कि उसे 7,000 का लाभ हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हम सभी जानते हैं, अगर वो 32,000 में बेच रहा है, खरीदा कितने में था, 25,000 में। अभी सभी लोगों ने देख लिया था कि उसे कितना का होगा, 7,000 का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में कैसे जानेंगे? ये नहीं बताना कि 7,000 का लाभ होगा, ऑप्शन में नहीं है। आपके एग्जाम में ऑप्शन है 28%, 20%, 21, 29, 9, 9, 3। जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो गया सबके कमेंट, चले आगे चले। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। और हाँ, जिन जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, वो तुरंत कर दे, भूले नहीं बिल्कुल। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है फेसबुक की, अन एकेडमी की, और मैथ आसान है चैनल की, इन सभी को फॉलो करें, तभी कल्याण है आगे। ठीक, आगे चले। देखिए इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है ना, इक्वल क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अभी हटेंगे ना तो सब दिखेगा। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, क्या बोलते हैं इसे, बहुत ही प्यार से सीपी बोलते हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितना हुआ है, 7,000 का हुआ है, और गुणे 100। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था वो गाड़ी कितने में खरीदा था, 25,000 में, तो ये 25,000 लिख देना है, सिंपल सी बात हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को जोड़ घटाना गुणा भाग माथा पच्ची करके निकालना है, सिंपल सा है। अगर नीचे भी जीरो जीरो है, ऊपर भी जीरो जीरो है, तो हम जीरो जीरो काट के किनारे हो जाते हैं, 3 जीरो नीचे से काट दो भाई, 3 जीरो ऊपर से, है ना, क्या बचा, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। 25 बचा नीचे, ऊपर बचा 100 और 7, अगर गुणा कर ले तो हो जाएगा 700। लेकिन गुणा नहीं करना, पहले पहले अपना काम बनाना है। वो ये क्या करना है, 25 को काट दीजिए, 25 एकम 25, और 25 चौका 100, क्या बचा, ऊपर बचा 7 गुणा 4, और गुणा कर लेंगे आ जाएगा 28, कितना आया 28, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया 28। कहने का मतलब लाभ बराबर 28%, यानी जो 7,000 का उसे लाभ हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, कितने प्रतिशत का, 28% का लाभ हो रहा है, समझ गए ना। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं उसे, बिना किसी टेंशन, बिना किसी झिझक के आप उसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और एक बात ध्यान रहे, आपकी लाइव क्लासें पर डे होती हैं, हर दिन आपकी लाइव क्लास होती है, सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक, जिसमें आपकी काफी क्लासें फ्री होती हैं, कुछ क्लासें स्पेशल जो पेड होती हैं, जिनके लिए आपको मामूली सा शुल्क पेमेंट करना होता है, और पेमेंट उतना करना होता है जितना आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे, अगर तो बस किराया देंगे महीने भर का, उसका भी आधा, बस मामूली सा पेमेंट इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपकी पेड क्लासेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके।
और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके, है ना? ठीक है, समझ गए? तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब की बार आप लोग सभी लोग उत्तर बताएंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है आपसे, और उम्मीद मत तोड़ना। चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आपके लिए और भी। देखिए लाइट चली गई है, थोड़ा आपको मंद मंद दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा, कोशिश करिएगा। और हाँ, अगर इस मंद रोशनी में भी आप देख ले जाएंगे ना, तो जिंदगी में कभी मंद रोशनी नहीं आएगी। एक बात याद रखिएगा, न कष्ट न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न कष्ट न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, कुछ बदलाव करने का जुनून है, तो आपको अंधेरे में भी उजाला लगेगा। इतनी बातें बोलने के बाद भी जिसको ना दिख रहा हो वो जा सकता है। ठीक है, जल्दी से उत्तर बता दें। क्वेश्चन नंबर 5। एक साहूकार एक घड़ी को 7500 रुपए में खरीद कर, कितने में? 7500 मतलब 7500 में खरीदा, और फिर क्या किया? उसे 9000 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आप जानते हैं साहूकार तो ऐसे भी चालाक होते हैं ना, अगर कोई है भाई तो बुरा नहीं मानेगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, धंधा होता है अपना, बिजनेस होता है। तो 7500 में खरीदा था और 9000 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले तो ये जानेंगे कि उसे लाभ हुआ कितना, तभी तो प्रतिशत जानेंगे। तो खरीदा था वो कितने में? 7500 में, और बेचा उसे कितने में? 9000 में। इसे आप उल्टा घटा लीजिए, उल्टा घटाने के लिए इसके हम उल्टा कर देते हैं, तो 9000 से 7500 घटाएंगे तो सिंपल में 1500 आएगा। अगर आपको ये घटाना भी नहीं आता है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। याद रखिए व्हाट्सएप नंबर 9793488448, 97938484848। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वही क्रय मूल्य होता है जितने में कोई वस्तु को खरीदा जाता है। समझ में आई बात? तो लाभ कितना है दिख रहा है साइड में? मैं देख लेता हूं झांक के बगल से, दिख रहा है ना? बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लाभ हमारा कितना था? अरे हमारा नहीं था भाई, साहूकार का था। कितना था? 1500 का। और कितना? 1500 गुणे 100। खरीदा कितने में था? 7500 में। ये रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 एकम 15, 15 पचे 75। पहाड़ा नहीं आता ना, तो बताइएगा, हम आपको पहाड़ा याद करने की भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन 15 का पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा तो 20 तक आना चाहिए कम से कम। 5 से काट देंगे तो आप जानते हैं 20 पंचे 100, इस तरह से कितना आया? लाभ प्रतिशत बराबर 20%, और उस साहूकार को 20% का लाभ हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5वां का सी ऑप्शन सही। सभी को समझ में आया? प्रतिदिन याद रखें, 0 लेवल की क्लास सुबह 6 बजे से, और 6:45 से 0 लेवल की इंग्लिश। उसके बाद 7 बजकर अगली क्लास जो आपकी होगी, आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में कितना बजे से है, 8:15 से आपकी क्लास होगी करंट अफेयर की, लेकिन उसके बीच में 7:30 बजे से, 7:30 बजे से आपकी सीटेट की मैथ का फर्स्ट बैच होगा। आप जानते हैं सीटेट का पेपर तो हो गया, जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो दूसरा स्टेप का पेपर होगा आपका यूपी टीईटी के बाद में, उसकी मैथ 2 बैच में चलती है, एक तो सुबह चलती है, एक शाम को चलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी कहानी समझ लीजिएगा, कौन क्लास कितना बजे चलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बड़ा सा खर्रा 2 पेज का मिलेगा, समझ लीजिएगा कौन सी क्लास कब होती है। और ये जो अपडेट है ना, टाइम टाइम से अपडेट किया जाता है, कहते हैं ना चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं और इस विकासशील भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो कृपया पीवीआर स्टडी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। आज की क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमारी दुबंसी फिर मिलूंगा अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर के। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें, दिखाते रहें पीवीआर स्टडी, भारत का एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।
जो कि आपके सपनों को साकार करने के लिए 24 घंटे आपके साथ। धन्यवाद।